This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old ones gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. फर्स्ट टाइम हमारे घर में फ्लावर्स आए हैं, सो खूबसूरत फूलों के साथ वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कितनी बढ़िया वाली धूप है, सुबह की धूप। सुबह नहीं है, 10 बज गए। मैं उठी थी अराउंड 5 o'clock, बहुत सारा काम था। कल रात को भी सोते सोते 12 o'clock हो गए थे, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, खास दिन है। आज येशा का बर्थडे भी है, घर पर पूजा भी है, और बंगाली में ना एक फेस्टिवल होता है नील षष्ठी, बच्चों के लिए करते हैं ये, और शिव जी की पूजा होती है। तो जिस ईयर येशा बॉर्न हुई थी 2012, सेम डे नील षष्ठी पड़ा था, और इतने सालों बाद आज फिर से उसके बर्थडे वाले दिन नील षष्ठी है। 12 ईयर्स की हो रही है 12th April, सो बहुत ज़्यादा हैप्पी है वो। एक दो दिन पहले तक थोड़ी सैड थी कि फ्रेंड्स को मिस कर रही थी, बट अब उसके बर्थडे के प्रिपरेशन हो गए हैं, और इस बात से बड़ी खुश है कि उसके बर्थडे वाले दिन घर पर पूजा हो रही है। तो केवश को बोल रही है, देखा मेरा बर्थडे कितना स्पेशल है, मेरा बर्थडे इसलिए पूजा हो रही है। तो उसके लिए एगलेस केक भी ऑर्डर कर दिया है, इवनिंग में बलून्स एंड ऑल अच्छे से सेलिब्रेट भी हो जाएगा, और आफ्टरनून में पूजा है तो पूजा के बाद उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। पूजा अराउंड 2:30-3 o'clock है, तो अभी तो स्कूल चले गए हैं, आफ्टरनून में उनको अर्ली लेके आ जाएंगे। अनुज ने भी हाफ डे लिया है, फिर फ्रेंड्स भी आएंगे, बिल्कुल घर वाली बात है। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि घर पर पूजा है, क्योंकि ननाइमो में, प्रिंस जॉर्ज में मंदिर नहीं था, पंडित जी नहीं थे, तो घर पर पूजा हो नहीं पाती थी। ऑफकोर्स हम करते थे, बट बचपन से देखते आए ना घर पे पूजा होते हुए, तो एक वो डिफरेंट वाली फीलिंग होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब एडमिंटन में हम फर्स्ट टाइम हमने घर लिया था, तब भी हमने पूजा कराई थी, तब भी मम्मी पापा थे, तब तो मम्मी ने ही सारा कुछ अरेंज किया था, बट टाइम चेंज हो जाता है, तो मम्मी अभी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। और मेरी फ्रेंड भी आ जाएगी जल्दी, उसको पूजा एंड ऑल का बहुत ज़्यादा आइडिया होता है, तो मैंने बोला तू आ जाना। ऐसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पंडित जी ने लिस्ट बना के दे दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग सारी शॉपिंग हो गई है। यहाँ पे तो इंडियन स्टोर में सब कुछ मिल जाता है, और क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ होता रहता है लोगों के घरों में ना, तो प्रॉपरली सेक्शन बना के सब कुछ डिवाइड करके होता है, तो इतनी भी दिक्कत नहीं होती कि आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता, सब कुछ मिल जाता है। पान पत्ता, आम का पत्ता, गेंदे के फूल, एवरीथिंग। येशा केयूष को लंच बॉक्स में येशा का फेवरेट पास्ता बना के दे दिया था, तो खुश हो गई। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाती है। और चॉकलेट लेके गई है अपने फ्रेंड्स के लिए। सुबह उठते ही मैंने ना खाना बना लिया। अब फ्रेंड्स ही आ रहे हैं, घर वाली बात है, इसलिए मैंने बाहर से ऑर्डर नहीं किया। यहाँ पे है आलू की सब्जी, इसमें सिर्फ जीरे, अदरक और टमाटर का तड़का लगाया है। और ये रहे छोले, इसमें भी खूब सारा अदरक, टमाटर और बस छोले मसाले ऐड किए। दिवाली में मैं ये डेकोरेशन के लिए यूज़ करती थी ना, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे विंडो पे थोड़ा सा हैंग कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूजा होगी। बढ़िया से पूरा क्लीन कर लिया है हमने, कारपेट, चेयर सब कुछ हटा दिया है ताकि स्पेस बन जाए। और देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है, झाड़ू पोछा लगा दिया है, क्लीन हो गया है। और ये वाला डायरेक्शन बेस्ट है पूजा के लिए, तो यहाँ पे पूजा होगी, और इस साइड में मैं सारा ब्लैंकेट बिछा दूंगी, जिसको नीचे बैठना होगा वो नीचे बैठ जाएंगे, या फिर चेयर्स तो हैं ही। मॉर्निंग से तो अभी काम करना था, तो इसलिए मैंने सूट ही पहन लिया, बाद में साड़ी पहनूंगी, सारा कुछ निकाल के रखा है मैंने। हमारे घर में पूजा हो और बेसन के लड्डू ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रसाद के लिए मैं हलवा और बेसन के लड्डू बना रही हूँ।
एग्जैक्टली 1 आवर बचे हुए हैं. मैंने बोला कि मैं फटाफट से साड़ी पहन के आ जाती हूँ, नहीं तो ना एंड एंड तक काम चलता ही रहेगा और मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा. तो अनुज का भी कुर्ता प्रेस करके रख दिया है, बस वो आ रहे हैं बच्चों को पिक करके, फिर वो भी चेंज कर लेंगे, फिर वेट करते हैं. मोस्टली सारा कुछ डन हो चुका है ऐसा मुझे लग रहा है. अब तो पंडित जी आएंगे, जितना मुझे समझ में आया मैंने उसके अकॉर्डिंग सब सेट करके रख दिया है. उसके बाद वो आएंगे, अपना देख लेंगे, कुछ चाहिए होगा तो फिर कर लेंगे. अच्छा हुआ मैंने 2 दिन पहले ही साड़ी निकाल के रखी थी, नहीं तो अभी अगर ढूंढने जाती तो कभी नहीं मिल रहा था. ये बैंगल सामने दिखा मुझे तो मैंने ये डाल लिया है. गलती हो गई मुझसे, ज्वेलरी भी ना सेट करके रख लेना चाहिए था. अभी मैं ढूंढ रही हूँ कान के लिए कुछ, तो मैंने बड़ा सा पर कुछ नहीं मिल रहा है अभी. तो चलो कोई बात नहीं, साड़ी पहनने का टाइम मिल गया वही बहुत है. पूरी फ्राई हो रही है, देखो अब मुझे कोई काम नहीं करना. अब पूजा हो गई और हमें ये घर दिलाने वाले दोनों रियल्टर भी यहीं पे है. वो तो पता ही है, मैं इतनी बार गाना गा चुकी हूँ सबको पता है. कि रियल्टर उनको बताने के लिए बोल रही हूँ, हमारे लिए थोड़े रियल्टर है. सेठी ब्रदर्स. अच्छा अच्छा मुझे पता है कि मेरे को एक बार मिला देना. ये मेरी छोटी मेहमान. अभी 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 जय 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 श्री राम. माँ केमनी हलो पूजो, खूब भलो पूजो हलो. हमारी बर्थडे गर्ल से तो हम मिले ही नहीं आज. या स्कूल कैसा था? Very good. I finally made friends. बर्थडे वाले दिन फ्रेंड्स देखा, इससे अच्छा गिफ्ट कुछ मिल सकता है तेरे को? टॉफी दिया सबको. What the पूरी है? पूरी खा रहे हैं? पूरी है स्टमक. शंभू, शंभू पूरी खा रहे? Yum yum yum. What the पूरी? Hello गुड्डी. Hello matching matching girls. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yesha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Yay! Are you 1? Are you 2? Are you 3? 9? Are you 10? Stop. Are you 11? Stop. Are you 12? Yeah! Oh,
क्या था दीदा बाबा मेरा तो था 36 का आंकड़ा है अभी रात के 9 बज रहे हैं, फ्रेंड्स चले गए हैं। वैसे येशा की जो फ्रेंड है गुड्डी वो स्लीप ओवर कर रही है, तो वो सुपर डुपर हैप्पी है कि उसका बर्थडे इतना स्पेशल हो गया। बहुत अच्छे से पूजा हुई। हमने पंडित जी से बोला था कि येशा का बर्थडे है, तो उन्होंने उसके लिए भी अलग से पूजा कराई, तो काफ़ी स्पेशल फील करी थी। स्कूल में काफ़ी अच्छा रहा, उसके धीरे धीरे फ्रेंड्स बन रहे हैं तो और भी ज़्यादा खुश है। तो टच वुड, जो दो दिन पहले वो काफ़ी दुखी हो रही थी, थोड़ा मिस कर रही थी अपने फ्रेंड्स को, अभी भी मिस तो कर ही रही है, बट शी इज़ हैप्पी कि उसका बर्थडे काफ़ी अच्छा गया। केक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्रिटी लग रहा था। टेस्ट मैंने नहीं किया, मैं कल ही खाऊंगी। वैसे तो एक ग्लास है, बट आज कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मॉर्निंग से फास्ट पे थी और फिर पूरी खाई, तो खाते खाते थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अब मैं रात को कुछ नहीं खाऊंगी। कल का दिन होपफुली हम थोड़ा सा आराम करेंगे। तो अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। पूजा बहुत अच्छे से हो गई और सारा सामान, ये फूल एंड ऑल ना, पंडित जी ने बोला कि आप पैक करके मंदिर में ही ले आना, विच इज़ गुड कि इधर उधर डालने से अच्छा है। तो अभी मैंने बच्चों के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। अभी अभी अनुज गए थे मेल बॉक्स चेक करने, तो येशा की फ्रेंड ने प्रिंस जॉर्ज से उसके लिए कार्ड भेजा है। येशा की फ्रेंड इश्मिन ने कार्ड भेजा उसके लिए और परफेक्ट आज ही के दिन मिल गया। और अच्छा हुआ कि आप चले गए मेल बॉक्स चेक करने ना। देखा, वी टॉक, वी लाफ, वी सेलिब्रेट एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, सो ट्रू। हाँ, तो चलो सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया, पूजा बहुत अच्छे से हो गई। पूजा बहुत अच्छे से हुई, पंडित जी बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से पंडित जी ने किया। और मतलब ये शकीर से भी करवा रहे थे ना, और जब वो मंत्र नहीं बोल रहे थे उसको बोल बोलो बोलो तो बोलते नहीं, बोलो जोर से बोलो, तो सबसे मंत्र पाठ करवाया, विच इज गुड। अच्छे से किया दोनों ने, अच्छे से किया। स्पेशली मुझे केयूष का लग रहा था कि वो उतना हिंदी तो बोलता भी नहीं है और संस्कृत के वर्ड्स कर रहा था जितना वो कर सकता था उतना कर रहा था। चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मुझे नहीं पता पूजा का कितना मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, मतलब मैंने तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, सबको बोल रखा था थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लो, तो जो भी होगा थोड़ा सा क्लिप मैं ऐड कर दूंगी। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।